सर बहुत देखा जाता है कि अभी गर्मियों का मौसम भी चल रहा है, धूप बहुत ज़्यादा है, ऐसे में सेल्समैन हो गए या फिर कोई दूर दराज काम पर जाने वाले लोग ही हो गए, उन्हें ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है, तो किस तरीके से क्या ये ज़्यादा स्वेटिंग होना जो है डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है? हाँ, निश्चित तौर पे जो सेल्समैन है जिन्हें मजबूरी है कि धूप में निकलना ही निकलना है, उन्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जब तक कि लू चल रही है, टेम्परेचर 40+ में है, उमस भरी गर्मी है, तो उनको दो तीन बातों पर तो जरूर अवश्य ध्यान दें। अपने पहनावे पर सबसे पहले ध्यान दें, जिसमें कि लूज शर्ट्स रहे, लाइट कलर का शर्ट रहे, जिससे कि धूप की रिफ्लेक्शन आपका होते रहे और वो ऑब्जर्व करें आपके पसीने को, जिसमें कि आपको ह्यूमिडिटी के कारण से फंगल इन्फेक्शन, खुजली, नोचनी, ये सब ना हो। दूसरी चीज़ है कि आपको कैप लगाना है लाइट कलर का, जो कि रिफ्लेक्ट करे, सन को एब्जॉर्ब नहीं करे आपके बाल पर और शरीर पर, और आंखों को बचाने के लिए भी ग्लासेस, गॉगल्स का इंतजाम ये करना है, क्योंकि आँख पर भी डायरेक्ट जब सनलाइट पड़ती है तो वो डैमेज कर सकता है। इनके अलावा आपके खान पान पर बहुत ध्यान रखना आवश्यक होगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में प्रायः देखा जाता है कि जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके शरीर से पानी और लवण बहुत अधिक मात्रा में निकल जाता है। आप देखेंगे पसीना नमकीन होता है और कभी कभी सोडियम की इतनी कमी हो जाती है कि उससे पाचन प्रक्रिया, क्रैम्स, लूज मोशन, और उसके बाद सोडियम की कमी से आपके सोचने पर भी किसी किसी ओल्ड एज में परेशानी आने लगती है, उनका कॉग्निजेंस या वो भी गड़बड़ाने लगता है, कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसमें विशेषकर वैसे लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है जिन्हें किडनी की दवाइयाँ चल रही हैं या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि गर्मी के दिनों में जब उमस भरी गर्मी से पसीना निकल जाता है, नमक निकल जाता है, तो बीपी थोड़ा लोअर साइड पे होता है, जाड़े के दिनों में बीपी थोड़ा हायर साइड पे होता है। तो चिकित्सीय देखरेख में बीपी की दवाइयों का टाइट्रेशन करना, उनका पावर हो सकता है कुछ आपके चिकित्सक देख करके कम करें गर्मी के दिनों में और जाड़े के दिनों में पावर बढ़ाएं, तो उन्हें जरूर से किडनी के रोगी और ब्लड प्रेशर के रोगी, ये लोग अपने चिकित्सीय देखरेख में कि मुझे किस तरह से करना चाहिए, अपना बीपी भी नापाते रहना चाहिए। कि जिसको डायुरेटिक चल रहा है, जो पेशाब कराने वाली दवाइयाँ बहुत लोगों को चलती हैं जिससे कि शरीर में सूजन नहीं रहे, जिनकी हार्ट कमज़ोर है, डायलेटेड है, या जिनकी किडनी कमज़ोर है वो पेशाब छान नहीं पा रही, उन्हें असिस्टेड दवाइयाँ चलती हैं जिससे कि पेशाब ज़्यादा हो, वैसे लोगों को सोडियम की और ज़्यादा कमी होने की संभावना इस मौसम में हो सकती है अगर वो धूप में निकल गए तो उसमें चक्कर भी आ सकता है, गिर भी सकते हैं, हाइपोटेंशन हो सकता है, बीपी बहुत लो हो सकती है। तो उनको भी देख रेख में, वैसे विशेष रोगियों को जो गर्मी के दिनों में डायरेटिक्स खा रहे हैं, जो पेशाब कराने वाली दवाई खा रहे हैं, उन्हें भी अपना टाइटल कराते रहना चाहिए चिकित्सीय देख रेख में, कि उतना ही दवाई चलेगा कि पावर कमेगा। इसके अलावा खान पान पर बहुत ध्यान रखना जरूरी है सेल्समैन को, विशेषकर जो बाहर जा रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है कि बाहर में कोई भी खाना गर्मी के दिनों में 2 घंटे 3 घंटे में खराब हो जाता है। तो कटा फल, बाहर का कोई पेय जिसमें कि शुद्ध वाटर, पानी की शुद्धता गारंटीड नहीं है, तो वैसे कोई भोजन को न करें। अगर भोजन उस तरह का करेंगे तो आपको डायरिया, डिसेंट्री होने की संभावना है, और डायरिया डिसेंट्री अगर हो गई ऊपर से पसीने से आपके नमक पानी निकल गया और डायरिया डिसेंट्री से भी पानी नमक निकल गया, तो उस समय गंभीर डिहाइड्रेशन हो सकता है, बीपी लो हो सकता है और तत्काल अस्पताल जाकर के फ्लूइड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो सर ऐसे में जैसे लोग, बुजुर्ग लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, घर में भी रहते, तो उनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए, बुजुर्ग को तो चाहिए कि 11 बजे से 3-4 बजे के बीच में घर से बाहर नहीं निकले कतई। बुजुर्ग लोग को चाहिए कि घर के अंदर कोल्ड, जहाँ पर छाया है, पंखा है, वहीं पर रहें। और तीसरी चीज़ है कि यदि बुजुर्ग लोग को कोई दवाइयाँ पहले से चल रही हैं तो अपने चिकित्सीय देख रेख में, विशेष भीषण गर्मी में यदि कहीं जाना है, उन्हें शादी में जानी है या कहीं बाहर निकलना है, तो अपने चिकित्सक से ज़रूर से देख करके, मिल करके, और अपने दवाइयों के डोज को एडजस्ट करा लें।